हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स रावत ब्लॉग यूके वाले, और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसे दोस्तों होली में बहुत सारे पकवान बनते हैं घर में, तो आज हमने भी गुजिया बनाने का प्रोग्राम बनाया है। तो चलिए आज गुजिया बनाते हैं, और गुजिया बनाने का क्या क्या प्रोसेस होता है वो सब आपको इस वीडियो बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुजिया बनाना। गाइस ये मैदा है, आज होली के उपलक्ष में हम गुजिया बनाने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैदा गूंथ चुका है। नारियल का बहुत बड़ा रोल होता है गुजिया में, आप सभी को पता है। तो ये हमारी मिसेज है जो कि गुजिया के लिए नारियल कद्दूकस कर रही है, और साथ में मेरी बेटी सेजल रावत है जो कि ड्राइंग बना रही है। आप उसकी ड्राइंग देख सकते हैं, ये सेजल रावत ने खुद बनाई है ड्राइंग्स। तो गाइस कैसे आपको ड्राइंग लगी इस पर भी आप प्लीज़ कमेंट दीजिए। जी हमने डाल दिया अखरोट और कुछ बादाम, इनको हम ग्राइंड करेंगे मिक्सी में, और इसको मिलाएंगे फिर हम खोया भी है जिसे हम मावा कहते हैं। तो गाइस ये खोया है, और खोया को थोड़ा फ्राई करना है यानी भुनना है, और फिर इसमें मसाले मिक्स करने हैं। तो गाइस हम खोया को यानी मावा को नारियल बादाम और अखरोट के जो हमने मिक्स तैयार किया है उसमें मिलाएंगे, एक मसाला तैयार करने जा रहे हैं। तो ये हम बूरा मिला रहे हैं, बूरा यानी कि जो चीनी का मिश्रण होता है, हमने जो मसाला तैयार किया था उसमें बूरा मिला दिया है। सच में यार इसका मसाला जो होता है ना उसको देख के मुंह में पानी आने लग जाता है, टेस्टी लगता है काफ़ी इसका मसाला। और गाइस आप इसमें बहुत कुछ चीज़ें मिला सकते हैं, पर हमने बहुत सिंपली तरीके से बना रहे हैं। तो गाइस सांचे में रख के ऐसी गुजिया बन रही है, ये डिजाइन देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है। हाय गाइस, तो आज हम गुजिया बना रहे हैं, और ये है सेजल रावत। हाय सेजल, और ये है मेरी मिसेस, और साथ में ऊपर जिसको टकलू कहते हैं ये है अभिका रावत, हमारी छोटी बेटी। और हाय अब उसे आए, बड़ी प्यारी है हमारी बेटी, स्माइलिंग है, देखो हाय भी कह रही है। और ये हम सब यहाँ पे गुजिया बना रहे हैं साथ में, मैं आटा गूंद रही हूँ। तो देखिए धीरे धीरे कलर छोड़ रहे हैं, इनको थोड़ा पलट देता हूँ। हालांकि मैं नहीं बनाता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा शूट करने के चक्कर में किचन में आया हूँ, तो मुझे टाइम मिला तो मैं इनको पलट देता हूँ ताकि ये दोनों तरफ से ठीक से पक सके, तेल में फ्राई हो सके।